आगे चले गए यार उन लोग आगे।
वैसे ही अपनी डांसिंग में भी मोहनजोदड़ो की, अजंता केव और अशोक पिलर जो आज अपना नेशनल एम्ब्लेम है, ये सारे हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है। तो इस हेरिटेज को हमको आगे बढ़ाना है, इसे एंड नहीं होने देना है, और पद्मश्री साहू जैसे लोग हैं जो इसे ज़िंदा रखे हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, आनंद है, मैं यहाँ हूँ और इतनी सुंदर कलाकृतियाँ मैंने देखी है, जो इनको सालों लग गए, एक कलाकृति 6 साल 7 साल भी ये बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसे हम इसी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, ये अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, बट वॉट वी हैव टू डू इज हमारे ऑफिसेज को, हमारे घर को, हमारे एरियाज हो, इनको इन्हीं कलाकृतियों से, ऐसे इंटीरियर से हमने सुंदर बनाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है, ये कलाकृति और इसके लिए जो प्रेम है, ये आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो प्रेम है, ये हमें दिल में रखना चाहिए। अगर ये हमने रखा मन में, तो ये ज़रूर आगे बढ़ेगा और सारी आने वाली जनरेशन्स भी इसे पूजेगी और पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा। को बचा के रखा है, ये मेरे जवान के समय में, मैं 40,000 कारीगर उड़ीसा में थे, आज 700 कारीगर 700 हैं। जब भगवान करे, अमृता मैडम ने जो बोला है उसी हिसाब से आप लोग उसको आगे करें। आप ये बम्बई वासी है जिन्होंने मंबा देवी और सिद्धिविनायक मंदिर है, जिन्होंने कोई भी झोली खोल के आता है कारीगर, मैं भी मेरा जीवन में जब कुछ किया है ग्रास रूट से उठ के, ये बॉम्बे ने मेरे को दिया है, ये मुंबई, धन्यवाद आपको मंबा देवी, धन्यवाद आपको सिद्धिविनायक, धन्यवाद ये जनता बम्बई का जिन्होंने कि ये कला को आदर किया, नहीं तो मेरा आनी इन्होंने आके इधर से इसको अनावरण किया, और आप लोग आके उसको देखे, जिसका हो सके वो रखे, उनको फिर आगे कला को जागृत करे, फिर मेरा जीवन का जो 2-4 साल है फिर 40,000 कारीगर हो जाए, मेरा यही इच्छा है। नमस्ते। अमृता मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे निकल जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी कलाकृतियाँ सबके सामने रखें? ज़रूर, हमारे देश में जो आर्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट है, स्ट्रक्चर्स है, इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? नेचुरली गवर्नमेंटल पॉलिटिकल विल ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा जो है हमारे दिलों में उसकी ज़रूरत ज़रूरी है। वी आर नाउ गोइंग फॉर फैंसी मॉडर्न थिंग्स, बट दिस इज़ आर कल्चर, दिस इज़ हेरिटेज। जो आज जापान जैसी जगह भी ये जाके आते हैं, वहाँ वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स में इनकॉर्पोरेट करके आते हैं अपनी कला, तो हमारे यहाँ तो ये सब बहुत ज़रूरी है। आपने पीछे देखा पनवेल में भी सुंदर कलाकृतियाँ हैं, इन्होंने मुंबई को मुंबई बनाया है, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम भारत को भारत रखें। मॉडर्न ज़रूर होना चाहिए, जो बुरे ख्याल है यानी रॉन्ग ट्रेडिशन है उससे दूर रहना चाहिए, पर जो हमारी ये धरोहर है इसको हमने ही साथ में रखना चाहिए। और एक इसके इंस्पिरेशन के लिए इनकी आज जो पुस्तक दी लाइफ की, उसका नाम है लेगेसी सेट इन स्टोन, ये हमने आज उसका प्रकाशन किया, वो भी हम लोगों ने पढ़ के इंस्पिरेशन लेना चाहिए। मैम लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, आज जो है इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, कांग्रेस आगे है बीजेपी से? अरे ये जगह नहीं, ये जगह नहीं, मुझे लगता है ये जगह नहीं है ऐसे बोलने की। रिक्वेस्ट है, ये एक कला, कला को जीवित रखने वाला आप लोग हैं, कला का आदर करने वाला आप लोग हैं, सरकार तो सरकार है, कला का स्थायित्व जीवन। आज अमृता मैडम कौन सा देश का कौन सा पार्टी का मेरे को मालूम नहीं, ये मेरे बेटी जैसे है, और यही से हम सृष्टि का शुरू है, नारी, नारी से सृष्टि है। अब अमृता को एक महालक्ष्मी और एक औरत, एक वरदान देने वाला देवी सोच के आगे करिए, उसको थोड़ा पीछे। मैं नहीं बोलूँगी आपको, पार्टियाँ आती जाती रहेंगी, ये लोगों का वर्डिक्ट है, पर ऐसी कलाकृतियाँ अमर है, तो लेट्स एंजॉय दिस टुडे। थैंक यू। ये भारत की कला है, पश्चिम की कला अलग होती है और वो प्रभावशाली है, और भारत की कला जो है, कई लोग ऐसे सोचते थे 100 साल पहले कि भारत की कला ही नहीं है, भारत में कला नहीं है, क्राफ्टमैन है, कला नहीं है। तो जब हम देखेंगे, जैसे आज साहू जी ने प्रतिमाएं बनाई हैं, मैं तो बिल्कुल दंग हो गया, इससे लगता है ये
कहीं जहाँ कलाकृतियाँ देखी जाती हैं वहाँ कलाकृतियाँ जब बोलती है एक दूसरे से, और जो बोलती है वो विषय के बारे में बोलती नहीं है, वो आध्यात्मिक शांति के बारे में बोलती है। जब भगवान यहाँ के जब जितने भी दृश्य दिखाए हैं भगवान के, वो किस लिए दिखाए हैं कि भगवान भी ऐसे ही संतप्त थे कि ऐहिक जीवन क्या है और उससे क्या मिलने वाला है। उन्होंने तीन चीज़ें देखी, एक जो है बीमार आदमी देखा, एक मरा हुआ आदमी देखा और सन्यासी देखा। सन्यासी के मुख पर जो आनंद और शांति थी उसके लिए अपना घर बार छोड़ दिया, ये सब कथा जो है इसमें से देती है। और ये संदेश जो है साहू जी ने जितने इफेक्टिवली सब लोगों को दिखाया है, इसका कारण है कि जो अजंता और एलोरा में जो कलाकार थे उनके ही वंशज है, उनकी धरोहर वो जपने वाले हैं। और इसलिए आज यहाँ आने में, और अमृता जी भी वैसे ही सोचती होंगी कि यहाँ आने में जो आनंद आया वो आनंद जो है बांटने के लिए हम आए हैं। और ये जो आनंद है, ये जो आनंद की स्फूर्ति की जो सरोवर है वो ऐसे ही चलती रहे। इन्होंने ऐसे अपने शिष्य ऐसे तैयार किए होंगे और करेंगे भी कि ये जो कला है वो अमर जैसी चलती रहे, इसी के लिए हम आए हैं।